नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत उपमंडल सवारघाट के तहत चंगर क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बस्ती में जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने की। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मुख्य अतिथि सुखराम चौधरी ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से आए शिकायतों का विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों ने मौके पर ही निपटारा किया। इस अवसर पर सुखराम चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश की जनता के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका आज लोग लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश में लोगों की समस्याओं को घर द्वार जाकर निपटारा करने की है। उन्होंने मौके पर बैठे अधिकारियों से भी अपील की है कि वे जनता की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुने, उनके निपटारे के लिए जो भी संभव प्रयास हो सके उन समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया जाए और जो समस्याएं बच जाती हैं उन्हें भी जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि ये कार्यक्रम जो हर महीने आयोजित किए जाते हैं लोगों की समस्याओं को निवारण हेतु कारगर साबित हो सके। इस मौके पर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा, नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर भी मौजूद थे। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल स्थापित किए गए, जिनका मुख्य अतिथि द्वारा निरीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद अध्यक्ष जिला बिलासपुर मुस्कान, जिलाधीश बिलासपुर रोहित जाम्बाल, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर दिवाकर शर्मा, एसडीएम स्वारघाट सुवास गौतम, तहसीलदार स्वारघाट हुसन चंद चौधरी, खंड विकास अधिकारी विकास खंड स्वारघाट विवेक पाल सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्र के लोगों ने भी हिस्सा लिया। 2019 में उसमें 3,68,00,000 की लागत से 34 नए ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किए और एक ट्रांसफार्मर अभी लगना बकाया है और दूसरे चरण की स्कीम भी सेकंड फेज की चल रही है, बन रही है, जिसमें 15 नए ट्रांसफार्मर लगेंगे। जनरल स्कीम कंपोनेंट जो इस विधानसभा क्षेत्र में चल रही है उसमें भी 27 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए और 33 ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई गई, उनको अपग्रेडेशन किया गया। और एलटी लाइन 18.5 किलोमीटर बनाई गई, जिसमें 1,07,00,000 रुपया खर्च हुआ। श्री नैना देवी जी टाउन के लिए 5 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए, 3 की क्षमता बढ़ाई गई और 16 किलोमीटर एसक्यूएल एलटी लाइन दी गई, इस पर 1,53,00,000 रुपया खर्च हुआ। और अभी स्वरघाट में नया सबस्टेशन लग रहा है, जिसका 90% काम पूर्ण हो गया 33 केवी का, और मार्च महीने में अप टू 15 मार्च हम उसको चालू कर देंगे। 2,38,36,00,000 रुपये उसके ऊपर खर्च हुआ है। जुखाला में 33/11 केवी का सबस्टेशन